दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पांव में हाथ में काला धागा बांधने से क्या होता है। ऐसा मान्यता है कि काला रंग बुरी नज़र से बचाता है, इसलिए लोग काले रंग के कपड़े पहनते हैं, बच्चे को काला टीका व काजल लगाते हैं और काला धागा पैरों में बांधते हैं। पैर में बांधने जाने वाला काला धागा भी बुरी नज़र से बचाता है। हालांकि कुछ लोग आजकल इसे फैशन व स्टाइल के लिए पैरों में बांध लेते हैं, लेकिन हम बचपन से ही बड़े बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि पैर में काला धागा बांधने से बुरी नज़र नहीं लगती है। पैर में काला धागा बच्चे से लेकर महिला और पुरुष सभी बांध सकते हैं। ज्योतिष शास्त्रों में इस बात का जिक्र किया गया है कि इस तरह पैर में बांधा काला धागा नकारात्मक शक्तियों को दूर रखता है। दोस्तों अगर आपके पांव में काला धागा बंधा हुआ है या बांधते हैं तो इसकी जानकारी ले ले पहले, फिर अपने पांव में काला धागा पहने। राहु केतु साहित शनि की महादशा से बचाता है काला धागा। धागा कुंडली में स्थित नव ग्रहों में किसी भी ग्रह का प्रभाव कमजोर होने पर व्यक्ति के जीवन में परेशानियां शुरू हो जाती है। ज्योतिष के अनुसार पैर में काला धागा बांधने से शनि की महादशा, सारे साथी और ढैया का प्रभाव कम होता है। साथ ही कुंडली में शनि ग्रह को मजबूती मिलती है। इसके साथ ही कुंडली में राहु केतु कमजोर होने पर भी ज्योतिष पैर में काला धागा बांधने की सलाह देते हैं। तो आप तो जान चुके हैं कि क्यों काला धागा बांधा जाता है। बुरी नज़र से बचाता है काला धागा। नज़र लगने के बारे में हम अक्सर सुनते हैं, खासकर बच्चों को अक्सर नज़र लग जाती है। इसके साथ ही किसी के घर, व्यापार और खुशियों को भी बुरी नज़र लग जाती है। नज़र उतारने के कई उपायों के बारे में भी ज्योतिष में बताया गया है। नज़र उतारने के कई उपाय में से एक है काला धागा। पैर में काला धागा पहनने से नज़र नहीं लगती, साथ ही व्यक्ति नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव से भी दूर रहता है। पैर में काला धागा बांधने के नियम। पैर में काला धागा बांधने के कुछ नियम होते हैं जिसके अनुसार पुरुषों को अपने दाहिने पैर में काला धागा बांधना चाहिए, वहीं महिलाओं को बाएं पैर में काला धागा बांधना चाहिए। दोस्तों काला धागा बांधने की प्रथा आज की नहीं है, कई सालों से इसे हाथ, पैर, गले और बाजू में बांधा जाता रहा है। मूल रूप से इसे नज़र से बचने के लिए बांधा जाता है। वास्तव में काला धागा बांधने के पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है। ये पंच तत्व है पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश। इनसे मिलने वाली ऊर्जा हमारे शरीर का संचालन करती है। इनसे मिलने वाली ऊर्जा से ही हम सभी सुविधाओं को प्राप्त करते हैं। जब किसी इंसान की बुरी नज़र हमें लगती है तब इन पांच तत्वों से मिलने वाली संबंधित सकारात्मक ऊर्जा हम तक नहीं पहुंच पाती है, इसलिए गले में काला धागा बांधा जाता है। दरअसल कुछ लोग काले धागे में भगवान के लॉकेट भी धारण करते हैं। इसे बेहद ही शुभ माना जाता है। बुरी नज़र से बचने के लिए काले रंग की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे काला टीका, काला धागा, काला धागा पहनने या काला टीका लगने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। काला रंग नज़र लगने वाले की एकाग्रता को भंग कर देता है। इसके कारण नकारात्मक ऊर्जा संबंधित व्यक्ति को प्रभावित नहीं कर पाती है। काला धागा नज़र से तो बचाता ही है, साथ ही इससे जुड़ा एक उपाय आपको मालामाल बना सकता है। आप बाजार से रेशमी या सूती काला धागा ले आए और किसी भी मंगलवार या शनिवार की शाम को यह काला धागा हनुमान जी के मंदिर ले जाएं। इस धागे में 9 छोटी छोटी गांठ लगा लें और हनुमान जी के पैरों का सिंदूर लगा लें। अब इस धागे को घर के मुख्य दरवाजे पर बांध दें या तिजोरी पर बांध दें। फिर एक छोटे से उपाय से आप जल्दी ही मालामाल बन सकते हैं।
ऐसा करने से आपके घर में धन धान्य की अपार वृद्धि होगी। शनिवार को जब किसी को बुरी नज़र से बचाने के लिए काला धागा धारण करें तो आप उसे बता दें कि ये कैसे पहनना जाता है। वैज्ञानिक तौर पर देखा गया है कि काला रंग उष्मा का अवशोषक होता है, इसलिए काला धागा बुरी नज़र व हवाओं को अवशोषित कर देता है जिसका असर हमारे शरीर को नहीं होता है। यह एक तरह का सुरक्षा कवच बना देता है। शनि दोष से बचने के लिए भी इंसान को काले धागे को पहनना चाहिए, इससे शनि का प्रकोप इंसान पर नहीं पड़ता है। दोस्तों, अक्सर लोग हाथ या पैर में काला धागा बांधे रहते हैं। माना जाता है कि काला धागा बुरी शक्तियों से रक्षा करता है और नज़र लगने से भी बचाता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार काला धागा पहनना हर किसी के लिए एक जैसा और शुभ परिणाम नहीं लाता है। यानी कि ये जरूरी नहीं कि अगर किसी एक व्यक्ति को काला धागा पहनने के बाद नज़र नहीं लग रही या बुरी शक्तियों से वह प्रभावित नहीं हो रहा तो किसी अन्य व्यक्ति पर भी ऐसा ही हूबहू असर हो। कुछ लोगों के लिए काला धागा पहनना अशुभ परिणाम भी ला सकता है। दोस्तों, माना जाता है कि मंगल ग्रह को काले रंग से बैर है, इसलिए वृश्चिक राशि के लोगों को काला धागा कतई नहीं बांधना चाहिए। इससे इस राशि के लोगों पर उल्टा और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वहीं मेष राशि के स्वामी भी मंगल ही है, इसी कारण से ही मेष राशि के लिए भी काला धागा पहनना अशुभ फलदायी साबित हो सकता है। अगर इन दो राशियों के लोग काला धागा पहनते हैं तो इससे उन्हें बुरे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। ज्योतिष शास्त्रों में इन लोगों को धन हानि, मान हानि और स्वास्थ्य हानि का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही परिवार में अशांत वातावरण भी उत्पन्न हो सकती है। ये तो हो गई उन लोगों की बात जिनके लिए काला धागा बांधना निषेध है, लेकिन वहीं जो लोग काला धागा बांध सकते हैं उनके लिए भी कुछ नियम लागू है। काला धागा पहनने का सबसे शुभ दिन शनिवार होता है, ऐसे में जब भी काला धागा बांधने की सोचे तो दिन शनिवार का ही हो, इस बात का ख्याल रखें। ध्यान रहे कि जिस हाथ में काला धागा बांधा हो उस हाथ में किसी और रंग के धागे का बांधना अशुभ माना जाता है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर चाहे वो कलावा ही क्यों ना हो। हाथ या पैर में बांधने के अलावा आप काले धागे को नींबू के साथ घर के मुख्य द्वार पर भी बांध सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके घर में कोई बार बार या जल्दी जल्दी बीमार पड़ रहा है तो ऐसे में हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगा हुआ काला धागा शनिवार के दिन गले में धारण कर लें। इससे सेहत में सुधार जल्दी ही नज़र आने लगेगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि किन के लिए काला धागा पहनना घातक साबित हो सकता है और किन लोगों को इसे नियम के साथ पहनना चाहिए, जो कि आपके लिए बहुत लाभकारी हो।